नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र भारत न्यूज पर। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाइए। आइए जानते देश की तमाम बड़ी खबरें। आज 16 जनवरी 2021 शनिवार हो चुकी है। बड़ी खबर आ रही है अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान, ममता बनर्जी समझ रही हैं बंगाल में भाजपा को रोकने के लिए, अब टीएमसी के पास कोई चारा नहीं बचा। ये जानते हैं पूरी खबर। जी हां दोस्तों, दरअसल पश्चिम बंगाल में तेजी से मजबूत हो रही बीजेपी के रथ को रोकने के लिए हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कांग्रेस और सीपीएम को टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की अपील की थी। उसके इस बयान पर कांग्रेस ने उन्हें अपनी पार्टी को मर्ज करने की नसीहत दे डाली। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी समझ रही है कि बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए उनके पास कोई चारा नहीं है। बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए ममता बनर्जी की नहीं बल्कि कांग्रेस की अगुवाई में आना आवश्यक है। SBI वैकेंसी 2021, स्टेट बैंक इंजीनियर्स के लिए निकली नौकरियां, नहीं होगी लिखित परीक्षाएं। आइए जानते हैं पूरी अपडेट। जी हां दोस्तों, दरअसल अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री BE BTEC ली है तो आपके पास स्टेट बैंक में नौकरी पाने का मौका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी निकाली है। इस पद पर नियुक्ति के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। पहले आवेदकों की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों में से इंटरव्यू के आधार पर नौकरी के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। अब पे स्केल की बात करें तो इन पदों पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को 23,700 रुपये प्रति माह से लेकर 42,020 रुपये तक प्रति माह तक दिया जाएगा। वैकेंसी डिटेल पर बात करें तो ये वैकेंसी इंजीनियर यानी फायर पदों पर होने जा रही है। वैकेंसी की कुल संख्या 16 है। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से BE यानी कि फायर या UCG या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BTEC करने वाले अभ्यर्थियों पर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम 40 वर्ष से तक के उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीतीश सरकार पर तेजस्वी का हमला, कहा घर से बाहर निकलने से डरते हैं लोग। जी हां, दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार सवाल पूछने पर गुस्सा करते हैं। बिहार में हालात ये हो गए हैं कि लोग अब घर से बाहर निकलने में डरते हैं। खास बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश को सरकार के राज्य में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, पूरे राज्य में अपराधियों का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि महाजंगल राज का महाराजा कौन। नीतीश के गुस्सा करने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह पहली बार नहीं है, इनकी नाकामयाबियों को गिनाया जाए और सही सवाल पूछे जाए या फिर पत्रकार कोई सवाल पूछते हैं तो इसका साफ तौर पर कहना होता है कि अनुपयुक्त सवाल है।